चलिए ये दोस्तों, आज से हम भूगोल की इस नई श्रृंखला को आरंभ कर रहे हैं। और आज की जो हमारी तारीख है, मैं आपको तारीख पहले बता दूं, क्योंकि इसी तारीख से वीडियोस आपको कंटिन्यूस मिलते रहेंगी, आपको कभी भी नागा नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, आज की जो तारीख है 17 मई है। आज से हम आपको ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, और ज्योग्राफी में आपको बेसिक से लेके टॉप लेवल तक पढ़ाया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए जो 6 क्लास का बच्चा पढ़ रहा है, जो 3 क्लास का बच्चा पढ़ रहा है, जो 2 क्लास का बच्चा पढ़ रहा है, उसको भी ये बातें समझ में आए कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या पढ़ना चाह रहा हूँ। तो चलिए भाई ये स्टार्ट करते हैं, मैं इसको थोड़ा साइड कर लेता हूँ। चलिए देखिए, ज्योग्राफी हमें क्यों पढ़ना चाहिए, सबसे पहली बात। ठीक, ये भूगोल जो है ना, ये जो भूगोल है, भूगोल नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है। क्या होता है, GEO जीव, मतलब जीव, ग्राफी मतलब अध्ययन, मतलब जीवों का अध्ययन जो होता है ना, उसे क्या कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। अब देखिए, ज्योग्राफी में सबके जाते हैं, जैविक चीजें भी आ जाएंगी, अजैविक चीजें भी आ जाएंगी, जैविक घटक भी आ जाएंगे, अजैविक घटक भी आ जाएंगे। ये ऑप्शनल भी है ना, जिसका ज्योग्राफी वो भी पढ़ सकता है। मैं इतने इजी वे में आपको बताने की कोशिश करूंगा, इससे ज्यादा इजी हो ही नहीं सकता। मैं इतना इजी आपको लेके चलने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, ज्योग्राफी हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति हुई कैसे। आपने ये सुना होगा कि बिग बैंग थ्योरी के बारे में, मान लीजिए ये ध्रुवीय आकाश के जो बादल थे, ठीक, निबुला था, इसको क्या बोलते हैं, निबुला। ठीक, ये क्या हो रहा था, घूम रहा था अंतरिक्ष में। ठीक, अंतरिक्ष में क्या हो रहा था, ये घूम रहा था, ये छोटे छोटे कण जो थे आके इसके पास इकट्ठा हो रहे थे। क्यों, ये छोटे छोटे कण इसके पास आके आते 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 इकट्ठा हो रहे थे, ये घूम रहा था। मान लीजिए एक छोटा सा बादल था, वो अंतरिक्ष में गोल 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 घूम रहे, तो उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बहुत बहुत ज्यादा था, तो अपने आने वाली आस पास की हर चीजों को अपनी ओर खींच रहा था, अपनी आने वाली हर चीजों को, अंतरिक्ष में आने वाली हर चीज को अपनी ओर खींच रहा था। होते 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 सारे कण जो थे, सारे जो मान लीजिए ये ग्रह है वहां खींचा गया, ये टुकड़ा है वहां खींचा गया, फिर सब खींचाने के बाद वहां पे क्या हुआ, एक फोर्स लगा और बड़ा से ब्लास्ट हुआ। उसको क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी। क्या बोलते हैं दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। किसकी उत्पत्ति हुई थी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। सॉरी, एक सेकंड, मैं चेक भी कर लेता हूँ, सही है। तो बिग बैंग थ्योरी से क्या हुई थी दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। क्या होती, ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती, बिग बैंग थ्योरी। याद रखिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, बिग बैंग थ्योरी से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। बिग बैंग एकदम बहुत बड़े विस्फोट के कारण, ये जो हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक, हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसें हैं हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम, दो ही गैसें हैं पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। पृथ्वी भी पूछे तो हमारे पृथ्वी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस, बच्चे बच्चे को पता है वो कौन सी, ऑक्सीजन है। हम लोग के बॉडी में भी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, ऑक्सीजन है। तो आप लेक्चर को पूरा देखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी नोट करते हुए चलेगा, क्योंकि कई सालों का रिसर्च है, तब मैंने ये मुकाम हासिल किया है। मैंने भी कई बार पीसीएस दिया है और मैं फिलहाल दे ही रहा हूँ, और मैंने छत्तीसगढ़ का मेंस निकाला है, बीपीएससी का मेंस भी दिया हुआ है, यूपीएससी का भी एग्जाम दिया हुआ है। तो इतनी गहन नॉलेज मुझे कुछ पढ़ने के बाद मिली है, तो आप मेरी बातों को नोट करते हुए चलिएगा। अब देखिए, बिग बैंग थ्योरी के द्वारा क्या होती है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ठीक, ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। अब देखिए, मैं इसको इरेज करता हूँ और आपको धीमे से एकदम अच्छे से धीरे धीरे धीमे धीमे बताते हुए आगे निकल लेके चलता हूँ। चलिए, इसको मैं रफ करता हूँ। अब देखिए, अब आप ध्यान से इसको देखिएगा। अब देखिए, जब बिग बैंग थ्योरी की उत्पत्ति हुई, तो सबसे पहले अगर कोई ग्रह बना या फिर कुछ बना, तो वो क्या था, वो क्या था दोस्तों, सन था। क्या था, सन था। आप सुने होंगे ये जो सन है, ये जो सन है, ठीक, सब हमारे पृथ्वी के केंद्र पे पाया जाता है, लेकिन ये झूठ है, बीचों बीच में नहीं है, साइड में है। कहाँ पे है, साइड में है। कहाँ पे है, साइड में है। ये जो सन है ये साइड में है। अब इसी के अगल बगल जो है ऐसे ऐसे करके रेखाएं,
इसको मैं थोड़ा रफ करके थोड़ा सा और छोटे में बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको इजी वे में समझ में आए। ठीक है, आपको पहली बार पढ़ रहा हूँ तो थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। एक सेकेंड दोस्तों, चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको धीमे से। चलिए मान लीजिए जब बिग बैंग थ्योरी हम लोगों का कंप्लीट हुआ तो सबसे पहला अगर कुछ बना तो वो क्या बना था? सन बना था। क्या बना था दोस्तों? सन बना था। अब देखिए सन बना था, उसके बाद धीरे धीरे जो प्लैनेट के जो थे टुकड़े, जो बिग बैंग थ्योरी से टुकड़े टूट टूट के अलग हो गए थे, उनसे अलग अलग होके क्या बना? ग्रह बनने लगे इकट्ठा होके। तो सबसे पहले देखिए बुध बना, फिर शुक्र बना, फिर पृथ्वी बनी, फिर क्या बना? मंगल बना, फिर बृहस्पति बना, फिर शनि बना, फिर अरुण बना, फिर वरुण बना। अब मैं इसके नाम भी आपको लिखवा देता हूँ। ठीक, अब इसके बीच में जो है ना बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इनके बीच में एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है, इनके बीच में एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। देखिए सिंपल लेके चल रहा हूँ, एकदम आसान भाषा में, एकदम इजी वे में मैं नाम भी लिखते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैं मार्कर भी साइज चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखते भी रहे, विजुअल भी आपको अच्छा रहे। सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, क्या है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आप सभी को पता होगा इनके बारे में, हर कोई जानता होगा। मेरा अनुमान है कि हर एक छोटा बच्चा, हर एक व्यक्ति इसके बारे में जानता होगा कि हमारे जो है वो हमारे जो सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। उन 8 ग्रहों को क्रम से जानने के लिए आप क्या करिए, पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी, फिर उसके बाद 4 और ग्रह हैं। अब देखिए इन ग्रहों की खासियत मैं आपको बताता हूँ। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे अभी फिलहाल में वैज्ञानिकों के अनुसार क्या है? जीवन है। कहाँ पे जीवन है? पृथ्वी पे ही इस समय वर्तमान में वैज्ञानिकों के अनुसार जीवन है। पृथ्वी का एक उपग्रह भी है, उपग्रह, उपग्रह को बोलते हैं प्राकृतिक नेचुरल सैटेलाइट। कौन क्या है? चंद्रमा, चंद्रमा। पूछता है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा? उपग्रह में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उपग्रह का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट बोल रहा हूँ, ह्यूमन मेड सैटेलाइट नहीं, कि पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट क्या है? तो चंद्रमा है। किसके पास सैटेलाइट नहीं है? सूर्य के पास कोई भी चंद्रमा नहीं है, बुध के पास कोई चंद्रमा नहीं है, शुक्र के पास कोई चंद्रमा नहीं है। ठीक, बुध के पास और शुक्र के पास कोई चंद्रमा नहीं है। ठीक, याद रखिएगा, बुध के पास और शुक्र के पास कोई चंद्रमा नहीं है। ठीक, अब ये पृथ्वी जो है हमारी घूमती कैसे है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये अपना एक ग्लोब बना देता हूँ। ठीक, ये ग्लोब है, तो पृथ्वी हमारी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब घूमती है। मैं ग्लोब भी ले लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। अब देखिए ये जो ग्लोब है, ठीक, ये जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये क्या घूमती है हमारी पृथ्वी? वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। क्या घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। क्या घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। क्या घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ये हमारी जो पृथ्वी है, पूछेगा कैसे घूमती है, तो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। बार बार बोल रहा हूँ कि पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि पृथ्वी हमारे सूरज का चक्कर कैसे लगाती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर लगाती है। कैसे लगाती है? पश्चिम से, पहले जाएंगे पश्चिम में, पश्चिम में फिर पूरब में, फिर पश्चिम में फिर पूरब में, पश्चिम में फिर पूरब में। ऐसे पृथ्वी के इस तरह जो ये जो पश्चिम से पूरब जा रही है, तो इसके सूर्य के परिक्रमण करने के कारण क्या होता है मालूम है? क्या होता है दोस्तों मालूम है? सूर्य के परिक्रमण करने के कारण पृथ्वी के ऋतुएं बदलती हैं। क्या बदलती हैं? ऋतुएं बदलती हैं। क्या बदलती हैं दोस्तों? ऋतुएं बदलती हैं। याद रखिएगा, क्या बदलती हैं? ऋतुएं बदलती हैं। जो पृथ्वी, जो हमारी जो पृथ्वी है, ये सूर्य का जो चक्कर लगाती है, ये सूर्य का दीर्घवृत्त का जो चक्कर लगाती है, उससे क्या बदलती है? ऋतुएं बदलती है। ठीक, क्या बदलती है? ऋतुएं बदलती है। सभी ग्रहों पे यही है, सूर्य पे का जो चक्कर लगाती है पृथ्वी, उससे क्या बदलती है? ऋतुएं बदलती है। क्या बदलती है दोस्तों? ऋतुएं बदलती है। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है, उससे क्या बदलती है? ऋतुएं बदलती है।
अब पूछता है कि किसके कारण दिन और रात होता है, बहुत कॉमन चीज है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। घूर्णन मतलब हम अपने अक्ष पर खड़े हैं, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, घूर्णन बोलते हैं, घूर्णन बोलते हैं। घूर्णन के कारण पृथ्वी पे क्या होता है, दिन और रात होता है, दिन और रात होता है। जहाँ पे सन की किरण पहले पड़ती है वहाँ पे क्या हो जाता है, सुबह हो जाता है, जहाँ बाद में पड़ती है वहाँ रात हो जाता है। पृथ्वी पे कभी भी अंधेरा नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, सन की लाइट यहाँ पड़ रही है, ठीक, यहाँ पे तो सवेरा दिखेगा। अब मैं ऐसे घूम गया, इधर लाइट नहीं पड़ रही, इधर लाइट पड़ रही, तो इधर तो सवेरा रहेगा ना। तो पृथ्वी पे कभी भी दिन और रात नहीं होती है, ये हमेशा क्या होता है, पृथ्वी के घूमने के कारण। वहाँ पे क्या होता है, कभी मान लीजिए अमेरिका में दिन हो गया तो यहाँ रात है, कभी वहाँ पे दिन हो गया, रात हो गया तो यहाँ दिन है। क्यों? क्योंकि सूर्य क्या होता है, सूर्य कभी इधर चमकेगा, कभी इधर चमकेगा, क्योंकि पृथ्वी अपने स्थान पे ऐसे ऐसे घूम रही है ना। तो क्या होगा, जहाँ पे सूर्य की लाइट पड़ेगी वहाँ पे सवेरा रहेगा, जहाँ पे सूर्य की लाइट नहीं पड़ेगी वहाँ पे सवेरा ही रहेगा, यही होता है। अब देखिए बुध शुक्र के पास कोई चंद्रमा नहीं है, पृथ्वी का मैंने बता दिया कि वो क्या घूमते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। और एक चीज और आपको बता दूं, ये बुध और यूरेनस, यूरेनस इसको बोलते हैं अरुण, बुध और अरुण क्या घूमते हैं मालूम है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। बुध और यूरेनस जो क्या होता है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, याद रखिएगा। अब पूछेगा कि भैया सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह जो आकार में बहुत बड़ा, तो कौन है, बृहस्पति है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। क्या है, बृहस्पति है। अब पूछेगा कि भैया टाइटन किसका चंद्रमा है, याद रखिएगा टाइटन किसका चंद्रमा है, तो शनि का है, क्योंकि अवेंजर्स इसमें मूवी में बनी है ना भाई, तो सबको याद होना चाहिए टाइटन, टाइटन, टाइटन किसका चंद्रमा है, टाइटन चंद्रमा है किसका, शनि का। किसका चंद्रमा है दोस्तों, टाइटन चंद्रमा है शनि का, आप याद रखिएगा और मेरी बातों को सुनते हुए चलिएगा। टाइटन किसका चंद्रमा है, शनि का। पृथ्वी के पास कितने चंद्रमा है, एक चंद्रमा है। सबसे ज्यादा चंद्रमा किसके पास है, तो इसके पास है 80 से भी प्लस है, 80 से भी प्लस हो चुके हैं। किसके पास सबसे ज्यादा चंद्रमा है, शनि के पास। किसके पास चंद्रमा है ये नहीं है एक को, तो बुध शुक्र के पास कोई चंद्रमा नहीं है। क्या है, बुध शुक्र के पास कोई चंद्रमा नहीं है। क्या है दोस्तों, बुध शुक्र के पास कोई भी चंद्रमा है ही नहीं, नहीं, याद रखिएगा। इतनी चीजें मैंने आपको बताई। अब देखिए पूछा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन, तो बृहस्पति हो जाएगा। अब पूछेगा सबसे ज्यादा चंद्रमा वाला ग्रह कौन, तो क्या हो जाएगा, टाइटन यानी सॉरी शनि हो जाएगा, 80 से भी प्लस। उससे कम किसके पास है, तो किसके पास है, बृहस्पति के पास है। इसके पास भी 79 के आसपास है, 79 के आसपास है। खोजते जा रहे हैं लोग, जितना खोजते जाएंगे प्लस होता जाएगा, मैं आपको बताता रहूंगा अपडेट होकर, ठीक। तो अब मैंने आपको बता दिया कि हमारे पृथ्वी में, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह है। पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इनको जो आंतरिक ग्रह बोलते हैं, इनको जो है आंतरिक ग्रह बोलते हैं, क्योंकि बीच में क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी पाई जाती है ना, उनसे इनका विभाजन होता है। इनको इसलिए क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह बोलते हैं। पूछेगा चार आंतरिक ग्रहों के नाम होते हैं, पूछेगा इनमें से ऑप्शन देके पूछेगा इनमें से आंतरिक ग्रह कौन है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, शनि। तो आप क्या बोलेंगे, इनमें से आंतरिक ग्रह कौन सा नहीं है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, शनि। तो आप क्या बोलेंगे, शनि आंतरिक ग्रह नहीं है, क्योंकि वो बाहर है ना, ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बाहर है। ये जो हमारा क्षुद्र ग्रह की पट्टी दिख रही है, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, प्लैनेट्स हैं, ठीक, ये कुछ है नहीं। क्षुद्र ग्रह की पट्टी का मतलब क्या होता है, प्लैनेट्स हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं, जो क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारण कहाँ पे तैर रहे हैं, हमारे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं इधर उधर, किसका चक्कर लगा रहे हैं, सन का चक्कर लगा रहे हैं। और हमारे भी ग्रह जो है किसके कारण बंधे हुए हैं, हमारे जो ग्रह हैं किसके कारण, मान लीजिए हम मान लीजिए ब्रह्मांड में हम चले गए, ठीक, ब्रह्मांड में हम चले गए, हम भी जाएंगे तो गोल गोल चक्कर लगाने लगेंगे। क्यों लगाने लगेंगे भैया, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जी के मान के कारण। और पृथ्वी के जी का जो मान है ना, मान कितना है, 9.8 है, 9.8 है। चंद्रमा का कितना है, यही मान लीजिए इंपॉर्टेंट है, 2.8 है या 2.6 है, 2.6 है, क्या है, 1/6 है लोगों का, क्या है, उनसे बड़ा है। इस पे जी का मान कम है, इस पे जी का मान ज्यादा है, क्यों, आकार के कारण। और इसका जो त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, त्रिज्या है 6370 किलोमीटर। त्रिज्या का मतलब सीधा सीधा होता है, मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक, यहाँ से निकले और केंद्र तक गए, केंद्र तक की जो हमारी जो लंबाई है ना, उसी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। कितना अप्रॉक्सिमेट 6400 किलोमीटर, अगर एग्जैक्ट पूछे तो 6370 या 71 किलोमीटर, ये हमारी पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ से हम चेक कर दिए, यहाँ से एकदम केंद्र तक गए, तो हमारी जो त्रिज्या है 6371 अप्रॉक्सिमेट 64 याद रख लेंगे तो कोई चलेगा नहीं, मतलब कुछ ऐसा नहीं होगा, ठीक।
कि आपको प्रॉब्लम हो रही हो, अब पूछ लेगा कि आंतरिक ग्रह कौन सा है, तो आप बता देंगे भैया कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल हमारे क्या है, आंतरिक ग्रह है। क्या है हमारे? आंतरिक ग्रह है। पूछेगा कि हमारे बाहरी ग्रह कौन से हैं, तो बुध बृहस्पति शनि अरु मनु हमारे क्या है, बाहर ग्रह है। अब पूछेगा कि भैया ये जो ठोस हमारे जो आंतरिक ग्रह है ये ठोस अवस्था में क्यों रह गए और ये गैसीय अवस्था में क्यों रह गए। अब बोलेगा कि आंतरिक ग्रह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गए और बाहरी ग्रह ठोस अवस्था में परिवर्तित नहीं हुए, क्यों? क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, आपके किसी भी एग्जाम में लिखने के लिए भी आएगा, तो आप याद रखिए, आप अच्छे अच्छे लोगों से पूछेंगे उनको नहीं पता होगा कि हमारे आंतरिक ग्रह कौन से हैं। बोल देंगे भैया बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। अब ये पूछ लेंगे बाहरी ग्रह कौन से, बोल देंगे शनि अरुण वरुण और क्या बृहस्पति, ये बता देंगे। लेकिन अब उनसे पूछेंगे कि हमारे जो आंतरिक ग्रह हैं वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गए, ये गैसीय अवस्था में क्यों रह गए, क्यों? अब ये पूछेंगे क्यों, क्योंकि मालूम है, अब देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ रखता हूँ गर्म करने के लिए, ठीक, पानी गर्म करने के लिए रखता हूँ, इसके अंदर ढेर सारा ठोस कोई चीज डाल देता हूँ, मिक्सर जो रहता है, मान लीजिए सोने का टुकड़ा ढेर सारा डाल दिया उसको लिक्विड बना के, ठीक, तो जितना इसके ऊपर वाष्प रहेगा जल रहेगा उड़ जाएगा, लेकिन जो ठोस अवस्था की चीजें रहेंगी, जो मान लीजिए सोना है चांदी है तांबा है पीतल, वो नीचे बच जाएंगे। तो उसी तरह क्या हुआ, ये ये जो चारों ग्रह सन के एकदम पास होने के कारण, ये चारों ग्रह सन के एकदम नजदीक होने के कारण, सन के एकदम नजदीक होने के कारण क्या हो गए, इनके अंदर जितना भी गैस था ना सब उड़ गया, सन के पास होने के कारण इनके कारण इनका जो जितना भी गैस था सब उड़ गया, और गैस उड़ गया और फिर जो ठोस अवस्था में चीजें बची हुई थी वो रह गई, इसलिए ठोस अवस्था में बदल गए और ये क्या हो गए, द्रव अवस्था में ही रह गए, क्योंकि ये दूर है ना। अब मान लीजिए जिसको जिसको जितनी ज्यादा हीट मिलेगी, जितनी ज्यादा उष्मा मिलेगी, उतना गैस इसके अंदर से बाहर निकल के चला जाएगा, जो ठोस अवस्था में रहेगा वो क्या हो जाएगा, जो ठोस अवस्था में रहेगा वो ठोसी अवस्था में रहेगा। इनके ऊपर जो गैसें थे उड़ गई और जो अंदर ठोस अवस्था में चीजें थी वो पड़ी रही, इसलिए ये ठोस हो गए, और इनके ऊपर ज्यादा सन की किरणें पड़ नहीं पाए, इसलिए क्या हो गए, ये ठोस अवस्था में ना रह के गैसीय अवस्था में रह गए, इसलिए इन्हें गैसीय प्लैनेट बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, ठोस प्लैनेट बोलते हैं। इन पे ज्वालामुखी विस्फोट भी हुए, अब देखिए ज्वालामुखी विस्फोट हुए इनके ऊपर, ज्वालामुखी विस्फोट हुए और क्या नाम है, कई सारे युग आए, फिर इनके पास जाके पृथ्वी पे हमारे जीवन आया। अब देखिए इतनी चीजें आपको पता हो गई, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, ताकि ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप समझेंगे नहीं तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, और आप क्लास को नहीं देखेंगे तब भी मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, कि आप क्लास को देखिए समझ में जो ना है आप उनसे पूछिए, बिल्कुल पूछिए। अब मैंने आपको बता दिया कि हमारे आठ ग्रह हैं, सिंपल और आसान बात है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े प्लैनेट्स, और फिर उसके बाद में चार ग्रह हैं, कौन से, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, किसके पास सबसे ज्यादा चंद्रमा, शनि के पास, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति के, और टाइटन किसका उपग्रह है, शनि का, पृथ्वी का उपग्रह क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, चंद्रमा का जी का मान क्या कितना है, जी का मान, इसको ग्रेविटेशनल मान, जी का मान है, जी का मान है, जी का मान क्या है 9.8, और चंद्रमा का 2.6 है। अब मैंने इतनी चीजें आपके बारे में इसको आपको बात बता दी, अब मैं इसको इरेज करता हूँ, रफ करता हूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ, ताकि आपको आगे भी चीजें बता सकूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो कमेंट करें, मुझसे क्वेश्चन पूछें, मैं आपको पूरी पूरी की पूरी बातें आपको बताऊंगा जो आपको क्लियर होंगी डाउट। चलिए अगले टॉपिक, फिलहाल उसी को आगे बढ़ाते हैं, आप इसको कहानी की तरह सुनते हुए चलिए ना, सोचिए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही है। अब देखिए मैंने आपको बता दिया, मान लीजिए घूमते घूमते पृथ्वी बन गई, क्या हो गया, घूमते घूमते पृथ्वी का निर्माण हो गया, ठीक, यहाँ पे थोड़ी सी चपटी है, यहाँ पे थोड़ी चपटी है, हमारे ध्रुवों पे थोड़ी सी पृथ्वी क्या है, चपटी है, थोड़ी सी धसी हुई है, ठीक, पृथ्वी का निर्माण हो गया। अब मान लीजिए पृथ्वी का जब निर्माण हो गया, किससे ही टूट के बने हैं, ये टूट के किससे बने हैं, पूछेगा कि सूरज से, सूरज से, सूर्य से, सूर्य से, सूर्य से ही उत्पत्ति हुई है, किसकी, पृथ्वी की, सूर्य से उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति हुई है, सूर्य से ही उत्पत्ति हुई है, जो बिग बैंग थ्योरी हुई थी तो उनसे कई टुकड़े टूट टाक के अलग हुए थे, तो उन्हीं में से एक पृथ्वी भी थी।
अब पूछेगा कि किससे उत्पत्ति हुई है, तो सूर्य से ही, सन से ही उत्पत्ति हुई है किसकी, पृथ्वी की। आप पूछेगा कि ये हमारे जो चंद्रमा है भैया, ये चंद्रमा जो है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, चंद्रमा, चंद्रमा की उत्पत्ति किससे हुई है, तो चंद्रमा की उत्पत्ति भी किससे हुई है, चंद्रमा की उत्पत्ति हुई पृथ्वी। एक समय था कि पृथ्वी के, पृथ्वी से भी बड़े आकार का ग्रह, पृथ्वी से भी बड़े आकार का एक ग्रह, एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया, तो उसका कुछ हिस्सा टूट के इसके पृथ्वी के गोल गोल चक्कर लगाने लगा, पृथ्वी के गोल गोल चक्कर लगाने लगा। अब कई लोग तो कमेंट करेंगे कि अरे सूर्य को छोटा बनाया, जबकि सर पृथ्वी से कई गुना बड़ी है, मैंने समझाने के लिए बस बनाया है, इसलिए कमेंट को आप और वीडियो को देख के फिर कमेंट करिएगा, मैंने बस समझाने के लिए बनाया है, पृथ्वी को बीच में रखा है समझाने के लिए, हालांकि सबको पता है सन बहुत बड़ा है पृथ्वी के, पृथ्वी के आकार से माने तो बहुत ज्यादा ही बड़ा है। अब देखिए पृथ्वी से टूट के क्या बना, चंद्रमा बना। कैसे बना, एक समय था कि जुरासिक पीरियड, उस समय क्या हो रहा था कि पृथ्वी से एक बड़े आकार का जो क्षुद्र ग्रह था पृथ्वी से आके टकराया, पृथ्वी से भी एक बड़े आकार का क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से आके टकराया और उससे टूट के चंद्रमा हमारा बना, और चंद्रमा बना और गोल गोल हमारे चक्कर लगाने लगा, गोल गोल हमारे चक्कर लगाने लगा पृथ्वी के, उसी को हम लोग क्या बोल दिए, क्या बोल दिए, पृथ्वी का उपग्रह बोल दिए। तो पूछेगा कि पृथ्वी से टूट के क्या बना है, तो क्या बना है, चंद्रमा ही बना है। चंद्रमा किससे टूट के बना है, चंद्रमा पृथ्वी से टूट के बना है। पृथ्वी किससे टूट के बिखर के अलग बनी है, तो किससे बनी है, सन से बनी है, किससे बनी है, सूर्य से बनी है। अब देखिए अच्छा पृथ्वी पे मान लीजिए पृथ्वी की उत्पत्ति तो हो गई थी, अब बड़े बड़े ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहे थे, बड़े बड़े ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे, मान लीजिए यहाँ पे ज्वालामुखी है, इसमें से लावा निकल रहा था, विस्फोट हो रहा था, लावा निकल रहा था, विस्फोट हो रहा था, लावा निकल रहा था, विस्फोट हो रहा था। अब इसमें ध्रुवीकरण बाहर निकल रहे थे, कई सारी गैसें निकल रही थी, तो उससे बादलों की उत्पत्ति हुई, क्या हुई, बादलों की उत्पत्ति हुई, क्या हुआ, बादलों की उत्पत्ति हुई। अब पृथ्वी सूरज से निकल के अलग हुई है, तो जाहिर सी बात है गर्म रह जाएगी, सबको पता है कि अगर सूर्य से अलग हो रही है तो जाहिर सी बात है सूर्य इतना गर्म है तो पृथ्वी भी गर्मी होगी, तो पृथ्वी भी एक समय था बहुत ज्यादा गर्मी थी, इस समय बहुत ही ज्यादा गर्म थी, ज्वालामुखी विस्फोट होता था, ज्वालामुखी विस्फोट होता था, उससे लावा बाहर निकलता था और सतह पर चलता था, ठीक, सतह पर इधर से उधर ट्रेवल करता था लावा। अब होता क्या था कि लावा बाहर निकलने की वजह से उससे ढेर सारे जलवाष्प निकले, जलवाष्प जो निकलने की वजह से इसमें क्या हुआ, इसमें बादल बनना शुरू हुए, कई सारे बादल बनना शुरू हुए, तो पृथ्वी पर वर्षा होने लगी, क्या होने लगी, वर्षा होने लगी, बादल बने और बादल से वर्षा होने लगी, बादल से वर्षा होने लगी, वर्षा होते 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 जो लावा था जो वो ठंडा हो गया, जो जहाँ लावा निकला था वो ठंडा हो गया, अब वो सतह बन गई, वो क्या हो गया, सतह बन गई, और जो गहरा गड्ढा स्थान था ना, जो गहरा गड्ढा स्थान था वहां पे अब लाखों करोड़ों वर्षों तक वहां पे वर्षा हुई है, तो वहां पे बड़े बड़े क्या बन गए, समुद्र बन गए, जहां पे लाखों करोड़ों साल तक वर्षा हुई है, मान लीजिए लाखों करोड़ों साल तक जहां पे वर्षा हुई है वहां पे महासागर बन गए, क्या बन गए, महासागर बन गए, महासागर, जहां पे लाखों करोड़ों साल तक वर्षा हुई है वहां पे क्या बन गए, महासागर बन गए, और जहां पे सतह ठंडी हुई, जहाँ पे सतह ठंडी होगी, ज्वालामुखी का लावा निकल निकल के जहाँ पे सतह ठंडी होगी वहां क्या बन गए, स्थल बन गए। अब पूछता है ना कि क्या नाम है, स्थल का निर्माण कैसे हुआ, तो पृथ्वी पे जो ज्वालामुखी विस्फोट होते थे, ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण उसमें से जो जलवाष्प निकलता था उससे क्या हुआ, बादलों का निर्माण हुआ, उससे क्या हुआ दोस्तों, बादलों का निर्माण हुआ, उससे क्या हुआ, बादलों का निर्माण हुआ, बादलों के निर्माण होने की वजह से क्या होता है, बादलों के निर्माण होने की वजह से पृथ्वी वर्षा होती है, लाखों करोड़ों साल तक वर्षा होती है, क्या होती है, लाखों करोड़ों साल तक वर्षा होती है, उससे बड़े बड़े महासागर बन जाते हैं, तो हमारे इस समय कितने महासागर है, पांच महासागर है हमारे पृथ्वी पे इस समय वर्तमान में पांच महासागर है। उनको याद करने की ट्रिक क्या है, पैसा, PAI, पैसा, पहला है पैसिफिक ओशियन, दूसरा है अटलांटिक ओशियन, तीसरा है इंडियन ओशियन, चौथा है सदर्न ओशियन और पांचवा है आर्कटिक ओशियन। तो पांच ओशियन है हमारे पृथ्वी पे और 7 कॉन्टिनेंट है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप, और फिर हमारा सातवां हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, 7 हमारे महाद्वीप है और 5 महासागर है। उनका निर्माण किससे हुआ था,
ढेर सारी वर्षा के कारण, स्थल के कारण, इन सभी कारणों से क्या हुआ, पृथ्वी पे भूतल की उत्पत्ति हुई, महासागरों का निर्माण हुआ, जो गहरा गड्ढा बना था वहां पे पानी भर गया, वहां पे क्या बन गया, महासागर बन गया, और जो गहरा गड्ढा बना था वहां पे महासागर बन गया, लाखों करोड़ों वर्षों तक वर्षा होने के कारण, और जो स्थल था वो ठंडा होकर सतह बन गया, यानी कि महाद्वीप बन गया। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, बहुत ही धीमा लेके चल रहा हूँ मैं, बहुत ही बेसिक चीजें लेके चल रहा हूँ, इसमें कुछ रटवाने वाली चीज अभी काम नहीं कर रहा हूँ, कुछ चीजें हैं जिनको आपको रटने पड़ेंगे, जैसे प्लैनेट्स हो गए, उनके उपग्रह हो गए, सबसे बड़ा ग्रह हो गया, और पूरब से पश्चिम घूमने वाला ग्रह हो गया, ये सभी चीजें तो आपको रटनी ही पड़ेंगी, क्योंकि हर चीज को आप कॉन्सेप्टली नहीं समझ सकते, क्योंकि आपको समझना तो बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ कुछ रटना भी पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको इरेज करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, इस कहानी को आगे बढ़ाता हूँ, बहुत मजा आएगा अगर आप पढ़ेंगे मेरे साथ एकदम फोकस होके, तो आपको भी समझ में आएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग रिस्पॉन्स दिए। इतनी चीजें मैंने बताई, अब थोड़ा सा हम दर्शन पृथ्वी का भी कर लेते हैं भैया, क्योंकि पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं तो पृथ्वी का दर्शन करना तो बनता है। अब देखिए, ये देखिए हमारी जो पृथ्वी है, बोलना बने तो माफी चाहता हूँ, कोशिश करूंगा कि आपको समझाने पर बता दूं, गोल बनता ही नहीं। अब जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी, ये रही हमारी पृथ्वी, ठीक, इस पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा होकर गुजरती है, इस पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा होकर गुजरते बोलती है, उसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, सॉरी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या जीरो डिग्री, तीनों के नाम से इसे जाना जाता है। 23.5 डिग्री उत्तर में जाएंगे, 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री उत्तर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कर्क रेखा, कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में, 23.5 डिग्री दक्षिण में जाएंगे, 23.5 डिग्री दक्षिण में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मकर रेखा, मकर रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में जाएंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, 1/2 क्या हो जाएगा, ये हमारा मकर रेखा। तो पृथ्वी पे तीन ऐसी रेखाएं हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो सन की रेज है ना, जो सन की रेज है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही ट्रेवल करती है, जो सन की लाइट है, सन की जो रेज है वो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही ट्रेवल करती है। सूर्य, जो सूर्य की लाइट है, सूर्य के जो उष्मा है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही ट्रेवल करती है, इसलिए ये तीन काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। इनसे ही क्या होते हैं, मौसम का निर्धारण चलता है और जलवायु का निर्धारण चलता है, हमारे वस्त्र का निर्धारण चलता है, हमारे खान पान का निर्धारण करता है, सब इनसे ही करता है। अब देखिए आप कहेंगे, अरे खाने पीने का निर्धारण, हाँ, हमारे ज्योग्राफी का, हमारे साइंस का निर्धारण, हाँ, हमारे विज्ञान का निर्धारण, हाँ, हमारे खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, हमारे प्रतिक्रियाओं, हमें कितनी ठंडी लगेगी, कितनी गर्मी लगेगी, सबका निर्धारण कौन करता है, यही करता है। अब देखिए आप करता कैसे है, आप वो हम बोल तो दिए कि करता है, कैसे करता है। अब देखिए ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, अब देखिए मान लीजिए कि मैं अफ्रीका महाद्वीप का एक लोगो बना रहा हूँ, एक चित्र बना रहा हूँ, तो ये अफ्रीका महाद्वीप इकलौता ऐसा महाद्वीप है ना जहाँ पे तीनों रेखाओं की गुजरती है, ये अफ्रीका, अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप इकलौता एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है भैया कि कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों कहाँ से होकर गुजरती है, किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। कहाँ से, अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। अब देखिए भैया, कर्क रेखा भी है, मकर रेखा भी है, विषुवत रेखा भी है, तो यहाँ पे क्या पड़ेगी, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, इसीलिए यहाँ पे क्या पाया जाता है, सहारा डेजर्ट पाया जाता है, सहारा का रेगिस्तान पाया जाता है, सहारा का रेगिस्तान, रेगिस्तान यहाँ पे क्या पाया जाता है, सहारा का रेगिस्तान पाया जाता है, कहाँ पे, अफ्रीका महाद्वीप में, कहाँ पे, अफ्रीका महाद्वीप में हमारा क्या पाया जाता है, सहारा का रेगिस्तान पाया जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहा जाता है, गर्म मरुस्थल,
मेरी बातों को आप गौर से सुनिएगा। गर्म मरुस्थल, अगर सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे ना तो अंटार्कटिका, भले वो कोल्ड डेजर्ट है लेकिन सबसे बड़ा मरुस्थल अगर पूछे आपको कोई आंख बंद करके भी उम्र के 85 साल की उम्र में भी, उम्र के 100 साल की उम्र में, तो क्या बोलेंगे? सबसे बड़ा डेजर्ट, सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? अंटार्कटिका। अगर उसमें ऐड कर दे कि सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा, तब सहारा होगा। बच्चे काफी गलतियां करते हैं, तो बेसिक चीजें ही बता रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी चीजें। पूछे सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, बोलने को तो बोल देंगे सहारा, हम मरुस्थल पूछे ना, हम पूछेंगे सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? आप याद रखिएगा, आप क्या बोलेंगे? अंटार्कटिका है। अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट कौन सा है, तो क्या बोलेंगे? अंटार्कटिका है। सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट कौन सा है, क्या बोलेंगे? सहारा का रेगिस्तान है। ठीक है, इसको आप इतना याद करते हुए चलिएगा। अब देखिए इसमें कुछ चीजें और भी कॉमन हो जाती हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारी जो पृथ्वी है, ठीक, पृथ्वी पे कई लोगों को जानते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोग चले जाएंगे यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई में चले जाएंगे, ठीक। अगर हम लोग यूएई में जाते हैं, ठीक, तो वहाँ पे क्या होता है, इस तरह के कपड़े लोग पहनते हैं ना, कुर्ता पहनते हैं, ठीक, कुर्ता पहनते हैं, या फिर देखिए उनकी वेशभूषा थोड़ी अलग होती है, हल्के कपड़े पहनते हैं। हल्के कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। क्या होता है, बहुत ही ज्यादा वहाँ पे गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा वहाँ पे गर्मी पड़ती है, इसलिए वहाँ का पहनावा बिल्कुल अलग है। अब यूरोप में चले जाएंगे, अब यहाँ पे यूरोप में चले जाएंगे, मान लीजिए ये यूरोप वाला इलाका है, ठीक, ये रशिया वाला जो इलाका है देख रहे हैं, यहाँ पे फिनलैंड वाला है, यहाँ पे ब्रिटेन वाला है, यहाँ पे जर्मनी वाला जो इलाका है, यहाँ पे चले जाएंगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, मतलब ठंडी पड़ती है, ठंडी, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। ये रशिया है, रूस, यहाँ पे भी क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है क्योंकि टेम्परेचर माइनस में रहता है, तो यहाँ का पहनावा देखेंगे अलग रहेगा। यहाँ के लोग जो लोग क्या होगा, मदिरा का सेवन करते होंगे, धूम्रपान का सेवन करते होंगे, नशे का सेवन करते होंगे, रोज उनको अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, बॉडी में गर्मी लाने के लिए दारू का सेवन करते हैं। क्यों करते हैं? उनकी मजबूरी है, वो लोग नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, इतनी ठंडी रहती है वहाँ पे। अब हमारे यहाँ भारत में इतनी पहले से गर्मी है, इतनी ज्यादा जैव विविधता पहले से ही है, शीतोष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधीय के मौसम पाए जाते हैं, तो ऊपर में जो उत्तर में रहने वाले लोग हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो दक्षिण में रहने वाले लोग हैं उनको प्रॉब्लम है, उनको नहीं करना चाहिए, बॉडी को हार्म होता है, बॉडी को इफेक्ट पड़ता है। अब जैसे कि मान लीजिए अफ्रीका में तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि क्या नाम है, गरीब देश है और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ का पहनावा बिल्कुल अलग रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए वहाँ पे कुछ भी पहन लेते हैं चलता है। लेकिन हमारे जो भारत में है, अब देखिए मान लीजिए ये जो भारत है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, ये जो भारत है, यहाँ पे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आप क्या देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हमारी जो सब्जियां हैं वो क्या होती हैं, हमारी जो सब्जियां हैं बहुत ज्यादा महंगी बिकती हैं कंपेयर टू मांस। अगर मांस वहां पे खरीदेंगे तो 10-20 रुपए किलो मिल जाएगा, लेकिन अगर हम लोग वहां पे खरीदेंगे क्या, अगर हम लोग वहां पे खरीदेंगे ये सब्जी वगैरह, तो हम लोग को क्या मिलेगा, बहुत महंगा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे भूमि उस प्रकार की उपजाऊ नहीं है, फर्टाइल भूमि नहीं है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमारा जो क्या होता है अफ्रीका महाद्वीप में, सॉरी यहाँ पे अंडमान निकोबार में, ये सब्जियाँ बहुत महंगी बिकती हैं, इसलिए यहाँ से यहाँ एक्सपोर्ट करना पड़ता है कोलकाता से। जो हल्दिया देख रहे हैं, कोलकाता में जो हल्दिया बंदरगाह है, यहाँ से क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है अंडमान निकोबार में। इनका हाईकोर्ट भी कहाँ पे है, यहीं पे कोलकाता में ही है, क्या लिखेगा, इनका हाईकोर्ट भी कोलकाता में ही है। तो आप देखिए किसको किसको प्रभावित कर रहा है, ये जो भूगोल है किसको किसको प्रभावित कर रहा है, एक तो आपको पूरा विज्ञान चेंज कर दे रहा है, ठीक, साइंस पूरा चेंज कर दे रहा है। अब बोलेंगे हम प्रूफ भी करके दिखा देंगे। अब देखिए आप जाइए यहाँ से कभी ठंडी, अभी मान लीजिए हम लोग उत्तर भारत में रह रहे हैं, उत्तर भारत से आप कभी दक्षिण भारत में जाइए, एक महीने रह के आइए, कभी रह के आइए आप कहाँ, उत्तर भारत में, ठीक, एकदम उत्तर नॉर्थ वाले इलाके में, जम्मू कश्मीर ले लद्दाख वाले इलाके में, वहाँ पे आप जाएंगे रह के आएंगे, आपकी बॉडी उस तरह से वहाँ के मौसम को ढाल नहीं पाएगी। अगर ढालेगी तो उसमें बहुत समय लगेगा, कम से कम 5 से 6 महीने लगते हैं कि किसी भी जगह परिवर्तित होके रहने में, अच्छे से अपने आप को संभालने में, अपनी बॉडी को उस तरीके से टेम्परेचर के अनुसार ढालने में, तो वहाँ पे आपको काफी कठिनाइयां होंगी, हो सकता है आप तबियत भी खराब हो जाए। दक्षिण में जाएंगे और ज्यादा स्थिति बुरी होगी, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगा, क्योंकि जो ये है ना, ये जो देखें हम लोग विषुवत रेखा के काफी करीब पहुंच जाते हैं, दक्षिण भारत 775 किलोमीटर के आसपास का एरिया कहा जाता है कि विषुवत रेखा से दूर है, तो यहाँ पे देखेंगे ना तो साइड वाला जो इलाका है ना, यहाँ पे ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है, ना तो ज्यादा ठंडी पड़ती है। महाराष्ट्र में आप कभी सुने हैं कि वहाँ पे भिजाड़ पड़ रहा है? कभी नहीं पड़ता, कभी भी नहीं पड़ता। उड़ीसा में सुने हैं कि वहाँ पे ठंडी पड़ रही है? नहीं पड़ रही। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में सुने हैं वहाँ पे ठंडी पड़ रही है? नहीं पड़ रही।
यहाँ पे सुने हैं कर्नाटक में कभी ठंडी पड़ रही है, नहीं पड़ रही, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा साल भर तापमान बराबर ही रहता है, क्योंकि कोई सी के किनारे है, नदी के किनारे है, इसलिए क्या हो रहा है वहाँ पे तापमान हमेशा बराबर ही रह रहा है। तो आप इसको समझते हुए भी चलिएगा कि हमारे जो तटीय रेखा वाले जो देश हैं, तटीय रेखा वाले जो देश भी है, मान सकते हैं तटीय रेखा वाले जो देश है, समुद्र के आसपास किनारे रहने वाले जितने भी देश हैं, जैसे नाइजीरिया हो गया, गेबोन हो गया, नामिबिया हो गया, ये सब समुद्र के किनारे वाले ना, इनको ना तो ज्यादा गर्मी लगेगी ना तो ज्यादा ठंडी लगेगी। बीच वाले जो है ना तड़पेंगे, अफ्रीका महाद्वीप जो तीनों रेखाएं गुजरती है ना, तो तड़पेंगे बीच वाले, अरे बाप रे इतना गर्मी कहां से आ गई, कुवैत में, राजस्थान में, वहां पे तो आप देखते हैं वो राजस्थान वाला जो इलाका है ना, ऊपर ऊपर चले जाएंगे तो एकदम चिपका हुआ है स्थल से, इसलिए वहां पे क्या होता है जलवाष्प बनता ही नहीं है, और जलवाष्प बनेगा तो उसमें पानी ही नहीं रहेगा, इसलिए वहां पे क्या होता है गर्मी पड़ जाती है। पानी में नमी रहेगी तब ना आपको ठंडी लगेगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे वर्षा हो रही है, पानी में वायु में नमी आ गई है, तो क्या कर दिए वायु में नमी आ गई तो वो भारी बन जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि गर्म हवा क्या होती है, हल्की होती है, गर्म हवा हल्की होती है और ऊपर उठने का प्रयास करती है, और ठंडी वायु जो होती है बहुत भारी हो जाती है, इसलिए वो नीचे गिरती है। होता कुछ नहीं है, अगर मान लीजिए पानी से जो पानी है गंगा जी का पानी है, वहां से कोई वायु गुजर रही है बहुत तेजी से या धीमे से भी, तो सबसे पहली बात कि टेम्परेचर 24-25 डिग्री के ऊपर होना चाहिए उस पानी को ऊपर खींचने के लिए। अब भैया टेम्परेचर गर्म होगा तभी ना पानी उठेगा ऊपर, टेम्परेचर 24-25 डिग्री के आसपास होना चाहिए, 27 डिग्री से ऊपर होगा तो चक्रवात आने लगेंगे, तो 24-25 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए तो पानी ऊपर धीरे धीरे उठना शुरू होगा। अब गर्म हवा हल्की उसके अंदर पानी है, ऊपर लेके उठेगा, ऊपर जाएगा 30 डिग्री पे, यहाँ पे जाइएगा तो 30 डिग्री पड़ेगा, 30 डिग्री पे जाके क्या हो जाती है, 30 डिग्री पे वायु जाके हल्की हो जाती है, सॉरी 30 डिग्री पे जाके वायु भारी हो जाती है, और वो क्या होती है भारी होती है कोई चीज, तो जाहिर सी बात है नीचे ही गिरेगी, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे ही पड़ रहा है तो नीचे ही गिरेगी, ऊपर हवा में तो जाएगी नहीं। तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, बहुत ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको थोड़ा थोड़ा करके ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पूरा का पूरा आप देखेंगे भूगोल, ये 6 से लेके 12 तक के लिए सभी के लिए है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे 6 से 12 हो, सबके लिए। तो आज के लिए हम यही छोड़ते हैं कि अफ्रीका एक इकलौता ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं हीरो का महाद्वीप कहते हैं इसको, 55 देशों का समूह कहते हैं इसको, सबसे गर्म और सबसे ज्यादा मरुस्थल भी अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा गर्मी भी अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है, और यहाँ पे सोने का भंडार भी पाया जाता है, चांदी का भंडार भी पाया जाता है, हीरो का महाद्वीप भी कहते हैं किसको, अफ्रीका। तो इतना चीज मैंने आपको बता दिया, आज के लिए इतना ही पे रोकते हैं, इसके आगे मैं कल कंटिन्यू करूंगा। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।